हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो है हेड शेप को लेके। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो पूरी वीडियो जरूर देखना, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपको। बहुत ही अच्छी वीडियो है, जरूर देख। तो गाइस, बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे कि बच्चे के हेड की शेप को लेके। हमने बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च कर रखी है और डॉक्टर से भी बात कर रखी है, तो इस पे इसीलिए हम इतना ज़्यादा फिकर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मतलब अभी भी डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि बच्चे के हेड को अगर आप शेप देने की कोशिश करोगे तो उसका जो स्कल की वो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है ना, इस टाइम पे बंद रही होती है। हाँ, बन रही होती है, तो हम कुछ भी शेप देने की कोशिश करेंगे, कुछ और ना हो जाए इस वजह से हम ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं। वैसे हमने बहुत ज्यादा कोशिशें की, जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं गए थे, रिसर्च नहीं की थी, वो हेलमेट वगैरह ये सब हमने बहुत कुछ सोचा था, अभी आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये जो कॉमन मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ये जो इसकी प्रॉब्लम है हमारे बेबी का जो हेड लंबा है, वैसे धीरे धीरे भर रहा है ना, कि ठीक है शेप धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला है कि कितना, 1-1.5 साल लग जाएगा ना, 18 मंथ्स करीब लग जाएंगे उसको पूरा डेवलप होने में अच्छे से। और वो क्यों हुआ है शेप, ये आप बताओ। वो तो भाई आपको ये बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब भाई कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैं कंफर्टेबल नहीं बोलने। कौन हेड शेप होती है, वो क्यों होती है? जब बच्चा मतलब प्रेशर लगा रहा होता है डिलीवरी के टाइम पे, तो मतलब उसकी हड्डियां इतनी ज्यादा कमजोर होती है ना कि उसकी शेप ऐसी हो जाती है। तो हमारे मतलब पहले तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं इतनी ज्यादा परेशान हूँ कि मेरी डॉक्टर इतनी खराब है कि उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे जब मैं रिसर्च कर रही हूँ ना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, बच्चा प्रेशर लगा रहा था, वो कोशिश कर रहा था, लेकिन डॉक्टर गलत नहीं थी, तो उसने कोशिश की थी। अब जब मैंने पढ़ा है तो मुझे समझ में आया कि उसका जो हेड का शेप है उसको बोलते हैं कोन हेड शेप। तो वो धीरे धीरे ठीक होता है, हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे हेलमेट वगैरह आते हैं उसको पिनाने के लिए, वो पीडियाट्रिशियन जो होता है वो ही बताता है कि किस साइज का, किस शेप का लेना है ना। वैसे मेन दिक्कत ये नहीं है कि बच्चे के सिर का साइज या शेप या ठीक होगा नहीं होगा, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। मेन जो दिक्कत होती है ना वो यहाँ आ जाती है कि लोग जो टोकने लग जाते हैं ना घर में, घर में रिश्तेदारों में, तो फिर उसको सुन के माँ बाप ज्यादा थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं। जैसे हमारे पास 3-4 तरह के कुछ कंसर्न आए थे। एक तो ये था कि बेबी बॉय जो है उसकी क्लीनिंग कैसे करते हैं, कुछ चीजों की समझ ही रहे होगे। और कुछ एक हुआ कि भाई बच्चे के जो सिर की शेप होती है वो, एक होता है कि बच्चे के जो सिर के आगे वाला हिस्सा होता है उसको मतलब किस टाइप से उसकी देख रेख करना, भरा जाता वो है, सारी बातें। हाँ मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें। क्या है ना कि जो घर वाले होते हैं या जो रिश्तेदार होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उन्होंने क्या है कि भाई उनको जो समझाया गया है पहले से, जो बताया गया है, भले ही उनका कोई लॉजिक रहा हो ना रहा हो, वो तो खैर एक अलग बात है, तो वो सारे ना वो बताने लग जाते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। अब दिक्कत ये नहीं है कि वो बताते हैं, दिक्कत ये है कि वो पीछे पड़ जाते हैं। तो दिक्कत असली वहीं शुरू होती है जब घर वाले या रिश्तेदार क्या होते हैं ना कि शुरुआत तो वैसे रिश्तेदार करते हैं, रिश्तेदार सिखाते हैं घर वालों को, घर वाले पीछे पड़ते हैं फिर माँ बाप के। कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि पैदा होते ही शहद चटाना बहुत जरूरी है, और डॉक्टर इस चीज के सख्त खिलाफ सख्त खिलाफ होते वो हैं। बोलते हैं जो मिल्क होता है मदर का वही देना चाहिए हमेशा। दूसरी बात फिर आती है कि भाई जैसे बच्चे को ग्राइप वाटर देना चाहिए, भाई मालिश वाली तक पीछे पड़ गई। हाँ मेरे भी बहुत पीछे पड़ी है भाई, वो छोड़ा ही नहीं पीछा। लेकिन अब डॉक्टर भी मना कर रहे हैं, पीडियाट्रिशियन भी मना कर रहा है, फिर हम भाई चलो एंड में हमने ये सोचा कि चलो दिल पे पत्थर रख के मान लेते हैं घर वालों की बात, एक बार ले आते हैं। ले आया मैं, वैसे पीछे तो ये मेरी पड़ी थी, मैं तो आज तक नहीं माना था। नहीं मैं वही है ना कि सबकी बातें सुन सुन के मैं परेशान हो गई थी, लेकिन फिर मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स जो पड़े ना लेकर आ गए थे, मैंने जबरदस्ती मंगा लिया, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स पड़े वो बहुत खतरनाक लगे मुझे, इसलिए मैंने कहा छोड़ो। तो मतलब दुनिया, एक एग्जांपल के लिए, दुनिया पैराबेन फ्री होने की कोशिश कर रही है और उसमें भर भर के पैराबेन, तो इस वजह से फिर नहीं लगा ठीक। अब ये भी हो सकता है, देखो अलग अलग तरह की बातें हैं। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमने क्या बच्चे नहीं पाले, हमने क्या पिलाया नहीं अपने बच्चों को। जैसे मैं जिस केमिस्ट से लेके आया था, मैंने उससे वैसे पूछ लिया था, मैंने कहा भैया कोई दिक्कत तो नहीं हो जाती? बोला कि भाई मेरे 3 बच्चे हैं, उनमें से तो किसी को ही नहीं, भाई अगर आपके घर में कुछ दिक्कत हो तो भाई मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। अच्छा भाई ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो इस टाइप से होता है। अब
रही और कई तरह की बातें, मान लो जैसे कि फिर वो मुगली घुट्टी देना, हाँ, मुगली घुट्टी और सरसों के तेल से मालिश करना, और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं यार। पर वही है कि आज के टाइम में ना हमें अपनी रिसर्च के हिसाब से ही करना चाहिए, क्योंकि आज चलो ठीक है पहले वो घुट्टी और ये सब प्योर आती होगी, आयुर्वेदिक तरीके से बनाते होंगे, लेकिन आजकल नहीं बनाते वो मालिश वाली। मैं वो कह रही ग्राइप वाटर जो होता है वो सिर्फ फ्रूट्स का होता है, लेकिन एक भी फ्रूट का नाम नहीं था उसमें, कोई तो सीड का ऑयल था, ये तो मुझे याद है। वो केमिस्ट वाला भी कह रहा, बोले तो जो का पानी है, मैंने कहा बीयर, सब अलग अलग बोल रहे, बीयर भी जो का पानी है, ये भी जो का पानी है, सब कुछ जो का ही पानी है। नहीं वही तो मैं बोल रही हूँ, कोई तो सीड का ऑयल था, लेकिन हाँ उसमें फ्रूट का एक भी नाम नहीं था। तो वैसे भी बच्चे को फ्रूट भी नहीं दे सकते ना 6 महीने तक, तो पानी ही मना होता है, तो ये सब देने का तो मतलब ही नहीं बनता। पर हाँ हेड शेप को लेके हमारे घर में कभी भी किसी ने हमें कुछ नहीं कहा ना। हमने सबसे पहले नोटिस किया था, हाँ। जब क्या हुआ था कि प्रिया ने मुझे एक फोटो भेजी थी जब मैं ऑफिस में था, तो फोटो भेजी तो मैंने देखा कि भाई बच्चे का सर तो बहुत लंबा है। फिर मैंने बोला, मैंने कहा ये कुछ तो दिक्कत हुई है, क्योंकि हमने पहले ये बात नोटिस नहीं की थी। मेरे मन में तो था, लेकिन वही है ना, होता है ना कि हम नेगेटिव सोचेंगे तो हो ना हो तब भी हो जाए, इस वजह से मैंने बोलती ही नहीं थी। फिर उसके बाद जब नोटिस हुआ तो हमने थोड़ा कोशिश करनी शुरू करी, थोड़ा देखना पढ़ना शुरू किया कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत है। फिर पता चला कि क्यों दिक्कत है। पहले तो लोगों ने अलग अलग बातें बोल के कंफ्यूज कर दिया कि तुम इसको गोद में ऐसे लेते हो तो उस वजह से भी दिक्कत हो सकती है, या टेढ़ा लेटाओगे तो बच्चे का सर यूं लंबा हो जाएगा, तो अलग अलग तरह की बातें बोली। फिर बाद में जब उसका लॉजिक हमने पढ़ा समझा, तब पता चला कि ये हमारे बाद में कुछ करने से नहीं हुआ है, ये डिलीवरी के टाइम पे, हाँ डिलीवरी के टाइम पे ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। फिर पहला तरीका किसी ने के थ्रू पता चला कि वो सर के नीचे प्लेट रखो, फिर पता चला था शुरू शुरू में ही ये राई का तकिया। हाँ ये मेरे को शिवानी जी ने कल परसों ही भेजी है वीडियो प्लेट वाली, पर ये मैं 1 महीने पहले ही देख चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने वो दोबारा नहीं देखी प्लेट वाली। ये भी मैंने तरीका ट्राई किया, लेकिन जो सर का मतलब मैं आपको फोटो भी यहाँ पे लगा दूंगी, सर का शेप है ना इस तरीके से बढ़ रहा है, पीछे से नहीं बढ़ रहा, इस तरीके से बढ़ा हुआ है, तो वो धीरे धीरे ही जाएगा, एकदम नहीं जाएगा, क्योंकि ये मतलब ये हम नहीं कर सकते भाई, मेडिकली पॉसिबल ही नहीं है। हम कैसे उसको प्रेस करें, वो किधर ही प्रेस हो जाए तो, और कोई नुकसान हो गया तो ये भी नहीं कर सकते ना। वैसे ये अच्छा लगता है कि आप लोग अपनी तरफ से सजेशन देते हो, हाँ। थोड़ा ऑप्शन देते हो कि भाई ये ट्राई कर लो वो ट्राई कर लो। अरे बहुत अच्छा सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी भेज रहे हैं और मेरे को नए नए सजेशन दे रहे हैं, पूजा जी भी हैं, एक शिवानी जी भी हैं, मतलब कई लोग मेरे को बता रहे हैं कि आप देखो राई का तकिया यूज करो, ये करो। इन लोगों को मैं क्या बताऊं कि मैं सब कर चुकी हूँ, इवन डॉक्टर को भी दिखा चुकी हूँ। डॉक्टर ने ये बोला कि मेरा पोते का इससे ज्यादा है बेटा, टेंशन मत ले, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। तो हम क्या क्या ट्राई कर चुके हैं और हमें क्या क्या सुझाव मिले वो बता रहा हूँ मैं। राय का तकिया हमने इसके पैदा होने से पहले मंगवा लिया था, ठीक। उसके बाद प्लेट वाला तरीका हमें पता चला था, तो कितने हमने एक ही बार ट्राई किया था, है ना, एक बार ट्राई किया था। फिर उसके अलावा जो सर के साइड में ऐसे पकड़ने वाला तकिया होता है वो भी हमने ट्राई कर लिया। फिर उसके बाद और जैसे भाई मान लो थोड़ा सा हार्ड सरफेस रख के भी ट्राई कर लिया था, ऐसे बहुत सारे तरीके हमने ट्राई किए। एक और कि वो जो डॉक्टर ने आपके फ्रेंड ने बताया था कि नहला के, तो हाँ। वो जब स्किन और हड्डियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है ना गर्म पानी से नहलाने के बाद, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रेस करो, वो भी मैंने ट्राई किया। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ फर्क पड़ रहा है, 2 दिन मैंने ट्राई किया था, लेकिन मैं मेडिकली तो नहीं बोल सकती कि हाँ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो अलग अलग तरीके से हमने ट्राई कर लिया है, पर डॉक्टर का ये कहना है कि बेटा तुम कितने जोर लगा लो। ये होना क्या है कि बच्चे का जो सिर होता है ना वो अपनी शेप ले रहा होता है, तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि भाई तुम ट्राई ही मत करो। अगर आप लोगों में से भी किसी को ये इश्यू देखने को मिल रहा हो तो हम ये नहीं कह रहे कि आप ट्राई मत करो। ज्यादा से ज्यादा बस मैं ये कहूंगा कि कोशिश करो कि बच्चा सीधा लेटा रहे सबसे पहली बात, लेकिन सिर्फ सीधा लेटा रहे नहीं, वो जो बिल्कुल पूरा पैक वाला तकिया आता है साइडों से बंद वाला वो आप लोग लो, ताकि पीछे से भी जोर लगे थोड़ा सा और साइडों से भी थोड़ा सा बच्चा टिका रहे। तो एक तो वो हो गया, दूसरा कि नहलाते टाइम बच्चे का सिर थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करो, हल्के हाथ से, बिल्कुल ठीक है, हल्के आगे वाले सॉफ्ट पार्ट पे बिल्कुल भी टच नहीं करना, पीछे ही करना है। हाँ,
और मालिश करते टाइम थोड़ा सा आप ट्राई कर सकते हो, इससे ज्यादा बच्चों को दुखी करने की कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट तरीका वो हेलमेट वाला भी बता दो। हाँ, हेलमेट का देखो वैसे ऐसा होता है, वैसे हम नहीं करने वाले हैं वो, मेरे को तो लगता है। देखेंगे भाई, अगर हमें ऐसा लगा कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो करेंगे, तो एक बार मान लेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से अब हम कुछ नहीं करने वाले हैं। और वैसे एक बात बताऊं, मेरे मन में क्या बात आई थी कि देखो दुनिया में कोई भी इंसान, किसी की भी बॉडी ना परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं होती, उसमें इतना तो नुक्स होगा ही होगा। पर ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है भाई, बाल वाल जैसे हमारे हेड की शेप क्या है किसी को क्या पता, इतने सारे बाल वाल आपके शेप क्या है किसी को क्या पता। पता है बात क्या है कि अगर बहुत बड़ा इशू होता ना कि मतलब सिर कुछ ज्यादा ही लंबा है, तो भाई फिर हम चाहे चाहो चाहे ना चाहो, लेकिन करना तो है ही। लेकिन अभी फिलहाल क्या है ना कि डॉक्टर जब भाई पीडियाट्रिशियन खुद कह रहा है कि मत छेड़ो सर को, हम एक काम करेंगे ना, बिफोर आफ्टर वाली लगा देंगे, एक तो वो वाली लगा देंगे जिसमें दिख रहा है, और एक अब लेटेस्ट की लगा देंगे पिक, तो आपको यकीन हो जाएगा। हाँ, आपको भी यकीन हो जाएगा और हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ भाई हम ठीक बोल पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अभी धीरे धीरे भर रहा है ना, वो बड़ा हो रहा है। दो महीने में इतना डिफरेंस आ गया, तो आप लोग बाद में देख लेना भाई कितना डिफरेंस आ गया, वो आ जाएगा ओवरऑल ठीक। और हमने वो भी मतलब जैसा भी जो लोगों ने कहा ऐसे मत ले, वो ऐसे मत लो, वो सब कर रहे हैं हम, तो क्या पता उससे भी फर्क पड़ रहा हो। तो ऐसे होता है कि भाई जैसे जब गोदी में लेते हैं ना, तो यहाँ से टिका लेते हैं, मतलब गर्दन टिका लेते हैं लोग, तो उससे भी थोड़ा बहुत लगा कि भाई वैसे भी नहीं करना चाहिए, प्रॉपर हाथ रखो तो ही ज्यादा ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने की, कोशिश की, और इम्प्रूवमेंट भी हम देख ही रहे हैं। बाकी आप लोगों ने जो बताया बहुत सही है, आपके घर में अगर इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अगर कोई कुछ समझा रहा हो, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है, आपको माननी है आप बिल्कुल मानो, लेकिन हम सिर्फ अपनी नॉलेज बता रहे हैं कि हमने इतने टाइम में इतनी जद्दोजहद करने के बाद जो हमारे खोपड़ी में बात घुसी है वो ये घुसी है। हाँ, तो आप लोग भी मतलब, और हेलमेट कब से ट्राई कर सकते हैं, वो 3-6 महीने जब क्रोलिंग बच्चा करने लगे, 6 महीने के बाद। वैसे तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे स्कल जो होता है ना, वो 6 महीने तक ऑलमोस्ट अपनी शेप में आ चुका होता है, ठीक है, उसके बाद तो बस वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है, ठीक। बाकी रही ये गड्ढे की बात, ये तो मैंने सुना 1 साल में बढ़ता है। 1 साल में नहीं, ये और भी ज्यादा टाइम। एक बंदा क्या है, मेरा दोस्त है, उसकी लड़की है 3.5 साल की। अच्छा। तो उसका कहना है कि अभी भी उसके सिर के यहाँ पे उसे दिल की धड़कन ऐसे झड़कती हुई दिखाई देती है। वो तो देगी यार, थोड़ा टाइम तो लगेगा उसमें, सारी जॉइंट होके यहाँ पे रहती है ना वो हड्डियाँ। तो इस वजह से उसने जो उसने बताया, मैं उसके बेस पे आपको कह रहा हूँ कि ये तो ठीक होने में टाइम लगता है, तो इतना लंबा प्रोसेस है बच्चे के सिर को ठीक होने का, ठीक है। तो अगर भाई आपके घर में भी कोई ऐसा इशू है तो परेशान मत होना। और एक बड़ी बात, जिसमें भी शक हो आपको, किसी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार यार दोस्त से सलाह लेने से बढ़िया है डॉक्टर के पास जाओ, वो भी ढंग के पीडियाट्रिशियन के पास, ठीक है। अब जैसे कि हमने इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था, हमने उनको बहुत समझाया, कल ही आया था, ज्यादा दिन में नहीं हुए, नाम नहीं लेंगे क्योंकि भाई सबकी प्राइवेसी होती है, और प्रॉब्लम भी नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो भी प्राइवेसी ही है उनकी। तो हमने बहुत बार उनको अपनी तरफ से समझाया कि ये दिक्कत आपको एक बार डॉक्टर को जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम उन्होंने बताई वो तो हमने नोटिस की कि उसके अलावा भी एक मेजर प्रॉब्लम हमें दिखाई दी थी। तो हमने अपनी तरफ से उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन भाई देखो अब उनका फर्ज बनता है कि या तो वो हमसे पूछे ना, और पूछा है तो अगर हमने बोला है कि डॉक्टर के पास जाओ तो एटलीस्ट चले जाए। बाकी भाई सबके अपने मन की संतुष्टि होती है और अपनी अपनी चीजें होती हैं। हाँ। जैसे हम किसी की नहीं मानते तो जबरदस्त थोड़ी ना कि कोई हमारी माने, सही बात है कि नहीं? नहीं, उनकी भी क्या मजबूरी हो शायद कि वो नहीं जा पा रहे हो, पर ठीक है कोई नहीं, जैसा आपको ठीक लगे ना हो सकती है कोई। हाँ वो तो है, पर जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, लेकिन हाँ जैसा आपका मन कहे वैसा करो, किसी की सुन के बिल्कुल भी मत करना कि मम्मी कह रही है, दादी कह रही है, नानी कह रही है कि हमने भी किया था तो तुम भी करो। भाई आज का टाइम वैसा नहीं है, ना ही इतना खान पान अच्छा है, ना ही कोई इतनी प्योर चीजें आ रही हैं कि आप लोग वैसे ही करोगे जैसे वो लोग करते थे। एक और चीज बताता हूँ मैं कि एक सलाह दी थी, मतलब एक दोस्त है, उसको 2 बच्चे हो चुके हैं, तो उस दोस्त ने मुझे एक सलाह दी थी कि बच्चे को ऐसे नहीं ऐसे पकड़ियो। कैसे मतलब? मतलब बताया था कुछ, एक बार सुनो तो। हाँ हाँ। तो क्या हुआ कि अभी मैं ढंग से चीजें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसको पता है कि मतलब वीडियोस में जिक्र हो सकता है, तो उसको बुरा ना लगे इसलिए कुछ बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसने मुझे बताया कि बच्चे को ऐसे नहीं ऐसे पकड़ना है। हाँ।
ठीक है। फिर मैंने कुछ टाइम तक बच्चे को वैसे ही होल्ड किया और मैंने उसको जाके बताया कि मुझे ना ऐसे ऐसे कुछ फील होता है कि जब मैं इस पोजीशन में बच्चे को पकड़ता हूँ तो बच्चा ऐसे अनकंफर्टेबल होता है। तो उसका क्या जवाब आया कि 100% तो यार किसी की भी नहीं माननी होती। उनका बेटे इतने मार दूंगा तेरे। तो वही है भाई, मैं तो सच में सच बताऊं किसी की नहीं सुनती, बीइंग अ मदर मैं अपनी सुनती हूँ और अपनी रिसर्च जो मैं करती हूँ खुद बैठे बैठे वही सुनती हूँ मैं किसी की भी नहीं। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि लोग खड़े खड़े बदल जाएंगे अगर बाद में उनकी मान के आपने कुछ किया और बच्चे में कोई दिक्कत हुई ना, बिल्कुल लोग खड़े खड़े अपनी बात से बदल जाएंगे कि हमने ऐसे नहीं, तेरे सुनने में दिक्कत होगी हाँ, या फिर सारी बात मेरी क्यों मानी अपनी तरफ से भी हाँ, तो सुनते हैं हाँ, कुछ भी कह देंगे। तो इसलिए बच्चा आपका है, ध्यान आपको रखना है, केयर आपको करनी है, सुनो अपनी, चलाओ अपनी, सुन सबकी लो। लेकिन इसीलिए बहुत सारे लोग जो मुझे बोल रहे थे कि हेड की शेप के लिए ये करो वो करो, मैंने सबकी सुनी सबकी मानी, लेकिन जो मेरी रिसर्च थी मैंने उसके हिसाब से काम किया। तो मेरे को मतलब मेरा फर्ज बनता था कि आप लोग इतना कंसर्न से बोल रहे हो तो मैं भी आपको बता दूं, तो इसलिए आज हम ये वीडियो लेकर आए थे। कैसी लगी वीडियो जरूर बता देना, और मतलब आप लोगों को भी हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो, तो मतलब बताना किस किस को दिक्कत है ऐसी, अगर घर में ऐसा कोई इशू हुआ हो और क्या करने से वो ठीक हुआ है आपको ऐसा लगता हो तो वो भी बताना। हाँ, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। एट द एंड सच्चाई तो यही है कि समय ही एकमात्र सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।